नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि उनके तमाम फैंस सदमे में हैं। होली के अगले दिन ही सुबह एक्टर का निधन हो गया था। इस बात की जानकारी सबसे पहले एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। शुरुआती जांच में एक्टर के निधन की वजह दिल का दौरा बताई गई थी, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। खबरों के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। सतीश कौशिक के निधन की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध था कि आखिर अच्छे भले इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से लोगों के और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के हार्ट अटैक से निधन की खबरें सामने आ रही थी, ऐसे में लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था कि हो सकता है कि सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया हो। लेकिन मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम ने फार्म हाउस से आपत्तिजनक दवाइयां बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस एक्टर की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या मौत की असल वजह है। पुलिस ने सिलसिले में फार्म हाउस में होली पार्टी सेलिब्रेट करने वाले मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। वहीं पुलिस उद्योगपति की भी तलाश कर रही है जो सतीश कौशिक की मौत के बाद से फरार है और फार्म हाउस में हुई पार्टी में शामिल था। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि फार्म हाउस पर मिले आपत्तिजनक दवाइयों के पैकेट किसके लिए आए थे और क्यों आए थे और क्या इसका सतीश कौशिक के निधन से कोई संबंध है। आपको बता दें कि दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे थे, होली पार्टी हो रही थी फार्म हाउस में जिसमें सतीश कौशिक शामिल थे, और अचानक से होली की पार्टी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी। उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया जहां डॉक्टर्स ने उनका हार्ट अटैक से निधन का खुलासा किया। हालांकि इस मामले को लेकर जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो ऐसे में कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर जब उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है तो पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है। बहरहाल अब जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, और मौत के पीछे की असल वजह क्या है इसी को तलाशने की पुरजोर कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि पोस्टमार्टम उनका करवाया गया। अब इंतज़ार हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उससे ये खुलासा हो पाएगा कि किन हालातों में और किस वजह से सतीश कौशिक की मौत हुई है। इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।